बादल जी, आपकी प्रतिक्रिया। ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, एक तो ईडब्ल्यूएस को जो दिया उन्होंने हरी झंडी दिखा दी, एक वो अपना मसला है ही अपनी जगह, जो उसको लेकर तमाम आपत्तियां, बल्कि वो पीठ ही बटी हुई थी, 3-2 से फैसला हुआ, तो एक वो अलग मुद्दा है। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह का फैसला देकर एक पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है, और अब ये तमाम ऐसे संगठनों को, दलों को, नेताओं को ये मांग करने का एक पुख्ता आधार मिल गया है कि अब तो 50% की सीलिंग का कोई मतलब नहीं है, तो अब आप इसको खोलिए और अब बाकी जो वर्ग हैं और उनकी संख्या के अनुपात में इसकी व्यवस्था कीजिए। तो ये एक तरह से फिर से वापस हम वहीं पहुंच रहे हैं जो 91 में जो जिस तरह की स्थितियां बन रही थी, दोबारा उस तरफ हम पहुंच रहे हैं। अनम्यूट कर ली। धन्यवाद मुकेश जी, आपने बहुत अच्छे शब्द का इस्तेमाल किया है कि वाकई सुप्रीम कोर्ट ने एक पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है, और खोल इसलिए दिया है कि मैं इसको एक सियासी नजरिए से अगर देखना चाहूं तो 2024 का सामने जो चुनाव आ रहा है, ये बहुत सारी चीजें कुछ वहां जाकर के मिलती हैं। हालांकि कोर्ट ने कहा है कि 103 वहां जो संविधान संशोधन है ये उसका हवाला दिया है और ये उसका उल्लंघन नहीं करता और वगैरह वगैरह, लेकिन ये तो देखिए जो इतने वर्षों से चला आ रहा था वो सारी चीजें जाति के आधार पर, नीतीश कुमार की कोई मांग अभी की तो है ही नहीं, पहले से भी मांग कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो उन्होंने समर्थन जो किया है उस समर्थन का आधार सीधा सीधा 2024 के मतदाता मतदाताओं का और सियासत और चुनाव से उससे जुड़ा हुआ मामला है। समीर साहब ने बिल्कुल से ठीक बात कही है कि ये अलग अलग राज्यों के समीकरण अलग अलग जातियों के संदर्भ में है। तमिलनाडु अगर असहमत हो सकता है तो बिहार सहमत हो सकता है, मध्य प्रदेश कहीं पर आंशिक तौर पर असहमत हो सकता है तो उत्तर प्रदेश सहमत हो सकता है। तो ये हालांकि मुझे एक बात मैं आपको बहुत साफ कहना चाहता हूँ कि इस सुप्रीम कोर्ट के इस व्यवस्था को लेकर के मुझे बहुत ही सब कुछ स्वाभाविक सा नहीं लग रहा है, और इसके पीछे कहीं ना कहीं कुछ मंशाएं, कुछ सियासी मंशाएं हैं जो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में मुश्किल खड़ी कर सकते हैं एक सामाजिक न्याय के नजरिए से। जी सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।